Hello and welcome to Adventure IS. Before starting the session, I will urge everyone to feel this topic what I will start because this is the physiography topic and you have to understand by visualizing only. Okay, geography topic है, आप इसे visualization नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे. तो उत्तराखंड, a land of God, गंगोत्री, बद्रीनाथ, everyone is there. So, आप जैसे अभी देख रहे हैं मैप, ये है उत्तराखंड का मैप है जो अभी रिसेंट जोशीमठ की जो न्यूज़ चल रही है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्दर्न पार्ट में आप देख रहे हैं मैप में, नॉर्दर्न पार्ट में है और वो हिमालयन बेल्ट में है पूरा, ठीक है. और हिमालय एक बहुत ही सेंसिटिव फ्रेजाइल जोन है, बहुत ही सिस्मिक जोन है. उसमें थोड़ी सी भी अगर हम इंट्रूड करते हैं तो वो एरिया बहुत ही वोलेटाइल हो सकता है. सो आप जैसे देख रहे हैं कि नंदा देवी नेशनल पार्क जो है, आप ईस्टर्न साइड देखिए, मैप के ईस्टर्न साइड देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क है. उसके लेफ्ट में जो ये हिली एरिया है, ये जो वाइट पोर्शन है, जो स्नो फ्लैक्स जो स्नो है, सो यहीं पर आप उससे लेफ्ट जाइए, देखिए वहाँ पर है जोशीमठ. सो जोशीमठ का जो न्यूज़ है वो बहुत ही पेनफुल है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, लाइवलीहुड के पर्सपेक्टिव से और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से और फ्यूचर गोल के पर्सपेक्टिव से बहुत ही न्यूज़ बहुत ही अलग है. बिकॉज इफ़ यू फील द पेन ऑफ देयर लाइवलीहुड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, सो दिस इज़ वेरी वेरी पेनफुल. सो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट जो है, सी ये जो हिमालय रीजन्स हैं ये बहुत ही सेंसिटिव है. तो इसके कारण होता क्या है कि डेवलपमेंट डिजास्टर्स को भी वेलकम करता है. सो डेवलपमेंट और डिजास्टर दोनों अलग अलग चीज़ है. डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट साथ ही डिजास्टर को भी हम कहीं ना कहीं एक तरह से वेलकम स्टेप करते हैं, क्योंकि डिजास्टर और डेवलपमेंट दोनों साथ में तो नहीं चल सकते हैं. सो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है उत्तराखंड बिकॉज ऑफ नॉर्दर्न हिमालयन बेल्ट, और फ्यूचर और सस्टेनेबल गोल को भी हमें देखना है कि वहाँ के जो फ्यूचर के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो स्कूल्स हैं, वहाँ जो इम्पैक्ट हुए हैं उन्हें भी देखना है. सो 2001 में एक मेहता कमेटी ने रिपोर्ट निकाला था अबाउट दिस होल उत्तराखंड, नॉर्दर्न उत्तराखंड इकोनॉमिक जोन. सो उस रिपोर्ट में कहा गया था कि द उत्तराखंड इज़ वेरी सेंसिटिव इन नेचर एंड इफ़ यू इंक्लूड एनी थिंग इट विल डिवास्ट इन कमिंग टाइम. सो दिस इज हैपनिंग. सो मेनी टनल्स, मेनी रोड्स, मेनी कनेक्टिविटी रोड्स, मेनी होटल्स, मेनी बिल्डिंग्स इज टेकिंग पार्ट देयर टू फॉर ए डेवलपमेंट उत्तराखंड. बट कहीं ना कहीं ये एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट भी ला रही है जैसे हम देख पा रहे हैं. सो रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि इफ़ यू पुश ए लिटिल बिट ऑल्सो राइट नाउ दैट जोशीमठ एरिया, इट विल सिंक होली. मीन्स अगर हम कोई भी तरह का पुश अगर उत्तराखंड में भी करते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो या किसी और तरह के पुश हो, तो वो जो नॉर्दर्न जो रीजन है वो पूरा सेंक कर जाएगा. बिकॉज 5.4 सेंटीमीटर ये 12 डेज में ये उत्तराखंड के जोशीमठ एरिया ने सेंक किया है. तो इसरो के रिपोर्ट से ये बात पता चला है कि 5.4 सेंटीमीटर 12 दिन में वो पूरी जोशीमठ के एरिया जो है वो सेंक किया है. उसमें से बहुत सारे आर्मी अटैचमेंट जगह भी थे, उसे भी रिलोकेट किया गया है, फैमिली को रिलोकेट करके रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा गया है. सो कमेटी रिपोर्ट जो 2001 में आई थी, मेहता कमेटी रिपोर्ट में भी यही सब कहा था. और मेन मुद्दा ये है अभी कि ये हो क्यों रहा है, मीन्स कौनस क्या क्या है, प्रोज और कौनस दोनों में बात करेंगे. तो कौनस क्या क्या है, कौन से देखिए, टूरिज्म पहला है. तो ये टूरिज्म अभी हाल ही में जो अभी रिपोर्ट देखे थे मनाली या और भी बहुत सारे जो हिली रीजन थे वहाँ पर ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल थी. सो पहला तो है कि
टूरिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए इन ए सिस्टमेटिक वे और ए स्लॉट वे. आई विल सजेस्ट ए स्लॉट. सो नंबर ऑफ टूरिस्ट दैट स्लॉट वाइज टूरिस्ट वो असेसमेंट होना चाहिए. और आपका ये सबसे बड़ी जो टूरिज्म की ही अभी है. और इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी बहुत मैटर करती है. सी सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग. ओके सो दिस इज वन थिंग. एंड EIA, आई विल डिस्कस अबाउट EIA. EIA क्या है? EIA का फुल फॉर्म है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. सो इस ये जो कॉन्सेप्ट है ये एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. सो आप जब भी एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो उसके साथ आपको इकोलॉजी के जो फीचर्स हैं वो भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी बहुत एक साइमल्टेनियस है. क्योंकि देखिए EIA में कहा गया है, इसमें बहुत सारे रिपोर्ट है बहुत सारे कमिटीज़ के, उसमें कहा गया है कि कोई भी जगह डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन या किसी भी काम के लिए अगर लिया जाए तो उससे पहले एक EIA सर्वे होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना हो, अच्छे से हो, ट्रांसपेरेंसी से हो, तो उससे क्या है कि आने वाले फ्यूचरिस्टिक गोल्स के लिए जो हम वो काम कर रहे हैं वो काफ़ी सही हो. जैसे अभी जैसे जोशीमठ में बहुत सारी न्यूज़ है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, टनल्स चल रहे थे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे. तो वो डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात है, बट हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को भी देखना वहाँ के जरूरी है. क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेशंस हैं जो इंडिया को जोड़े रखा हुआ है. सो वहाँ की जो कल्चर डाइवर्सिटी है वो भी हमें देखना पड़ेगा फॉर फ्यूचर सस्टेनेबल, उसको बचा के रखने के लिए. सो डाइवर्सिटी को बचा के लिए रखने के लिए हमको जगह भी बचाना है. जगह बचाने के लिए हमें बहुत ट्रांसपेरेंसी काम करना है. सो सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक रिसेंट अपना जजमेंट दिया, जजमेंट और वी कैन से दैट आस्क द पैनल